नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम रहती ऊंचे पहाड़ों और प्रकृति की गोद में विराजित माँ विजयासन धाम सलकनपुर माता विजयासन का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ स्थित 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है विजयासन देवी। यह देवी माँ दुर्गा का अवतार है। देवी का यह मंदिर एमपी की राजधानी भोपाल से 75 किलोमीटर दूर है। वहीं यह पहाड़ी माँ नर्मदा से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए भक्तों को 400 सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है, जबकि इस पहाड़ी पर जाने के लिए कुछ वर्षों में सड़क मार्ग भी बना दिया गया है। यहाँ पर दो पहिया और चार पहिया वाहन से पहुंचा जा सकता है। यह रास्ता करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए रोडवे भी शुरू हो गया है, जिसकी मदद से यहाँ 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है। माता पार्वती का अवतार है विजयासन देवी। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार है, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। विजयासन देवी को कई लोग कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। माता कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी का आशीर्वाद देती हैं, वहीं भक्तों की सूनी गोद भी भरती हैं। भक्तों की ही श्रद्धा है कि इस देवी धाम का महत्व किसी शक्तिपीठ से कम नहीं। स्वयंभू है माता की प्रतिमा। विजयासन देवी की प्रतिमा स्वयंभू है। यह प्रतिमा माता पार्वती की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हुई है। इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। भक्त कहते हैं कि एक मंदिर में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने का सभी को सौभाग्य मिल जाता है। सीहोर जिले की रहटी तहसील के ग्राम सलकनपुर स्थित पहाड़ी पर भव्य मंदिर में विराजित हैं, जहाँ रुकने खाने सहित सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। साथ ही मार्ग सहित दर्शनार्थी रोडवेज और सीढ़ियों से पहाड़ी पर पहुंच सकते हैं। इन सब के बावजूद भी यहां भक्त पदयात्रा दंडवत यात्रा कर ज़्यादातर पैदल ही पहुंचते हैं। भक्तों का मानना है कि माता रानी के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट हरने सहित सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी एक कहानी और भी प्रचलित है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जंगल में बंजारों के पशु गुम हो जाते थे। उन्होंने जंगल में बहुत खोजे पर नहीं मिले। फिर जिस जगह माता जी का मंदिर है, वहाँ एक कन्या ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारे पशु उस दिशा में मिलेंगे। कन्या की बात सच निकली, तभी से इस जगह पर पूजन शुरू हुआ। इससे पहले छोटी सी मड़िया हुआ करती थी, अब जैसे जैसे विकास हुआ और अब भव्य मंदिर बना हुआ है। सलकनपुर पहुंचने के लिए भोपाल से 75 किलोमीटर दूर, होशंगाबाद से 40 किलोमीटर दूर, इंदौर से 185 किलोमीटर दूर, सीहोर से 95 किलोमीटर है। साथ ही यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। दोनों नवरात्रि में लाखों की संख्या हो जाती है। कोरोना संक्रमण के बीच शासन ने नवरात्र पर्व के दौरान गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं को आने जाने की इजाज़त दी है। ऐसे में शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिर में दूर दूर से भक्त पहुँच रहे हैं। नवरात्र के आरंभ होते ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालु माता के दर्शन दूर से ही कर पाएंगे। इस दौरान मंदिर में घंटी बजाने ये जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश शासन ने भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऊपर से जो गाइडलाइन मिली है, उसके अंतर्गत मंदिर व्यवस्थाओं में दर्शन की जो व्यवस्था है वो पंक्तिबद्ध तरीके से 20-25 लोगों को वहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। वहाँ उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है। सारी जाँच के बाद उनको मंदिर में हाल से सुंदर तरीके से दर्शन कराया जा रहा है। वो दर्शन करते हुए वो प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश शासन पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, जिलाधीश महोदय की सारी व्यवस्थाएं, एसपी महोदय की, उसके अंतर्गत ये
व्यवस्थाएं दर्शन की आप देख रहे हैं। जी के बारे में बताइए आप। देखिए जैसा कि आपने प्रश्न किया है, जिस स्थान पर आप खड़े हैं वो विजयासन शक्तिपीठ धाम के नाम से जाना जाता है। अब आप प्रश्न कर रहे हैं विजयासन, तो विजय रक्त बीज का वध करने के बाद जहाँ पर भगवती आसन पर आरूढ़ हुई वो विजयासन है। ओ पापाप हारणीम देवी भुक्त मुक्ति प्रदायिनी अनंताम विजयाम शुद्धाम शरण्याम सेविदाम शिवाम। तो कविच में भी आया है विजय सर्वता स्थिता, साक्षात भगवती के दर्शन करने से यहाँ विजय प्राप्त होती है, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है और देश प्रदेश से यहाँ चारों तरफ से भक्त पैदल विगत कुछ वर्षों से पदयात्रियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हाथ में नरियल ध्वज पताका लेते हुए चुनरी लेती हुई माँ के श्री चरणों में आकर के श्रद्धा भक्ति से अपने पत्र पुष्प फूल इत्यादि भगवती के चरणों में निवेदित कर अपने जीवन की मंगल कामना करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन पुलिस व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस कोविड को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही है और हम पुलिस व्यवस्था विशेष लगी हुई है। हमारे मंदिर के समस्त कर्मचारी पुजारीगण जो हैं वो मंदिर की माता जी की सेवा अर्चना वंदना स्थानीय परंपरा के अनुसार घट स्थापना कलश स्थापना ज्योति स्थापना हो चुकी। हमारे सचिव आर के दुबे यहाँ संपूर्ण व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। हमारे मैनेजर हमारे सफाई कर्मचारी सभी लोग यथाविधि समस्त पुजारीगण व्यवस्थित ढंग से माता जी की अर्चन पूजन वंदना कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय माँ। खबर समय जगत के लिए रहटी से बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।